हमारे आज के प्रैक्टिकल का एम है टू वेरीफाई स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, विकिरण से संबंधित स्टीफन के नियम का सत्यापन करना। हम इसके लिए देख लेते हैं ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में गिवन है वोल्टमीटर, उसके दो टर्मिनल गिवन हैं, सिमिलर एक मिली एमीटर है जिसके दो टर्मिनल हैं, एक वेरिएबल है जिसके थ्रू हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये आउटपुट है, सिमिलर यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे एक माइक्रो मिली एमीटर के दो टर्मिनल हैं और वोल्टमीटर के भी दो टर्मिनल गिवन हैं। अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ वोल्टमीटर के जो टर्मिनल है वोल्टमीटर को के साथ कनेक्ट करेंगे पैरेलल। मिली एमीटर को भी पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ए टू सी बी टू टी, यहाँ पे एक बल्ब है इसको भी हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे जे टू एल और के टू एल। इस तरह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टीफन्स लॉ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ द इमिजिविटी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो उत्सर्जकता होती है वो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम रीडिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिली एमीटर जो है उसका जो लिस्ट काउंट हम फाइंड करेंगे तो 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है इसका जो लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे वो होगा 0.1 वोल्ट। यहाँ पे हम जब वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हम 5-5 डिवीजन के गैप में पे अप्लाई करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे करंट गेन करेंगे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम 5 डिवीजन मूव करेंगे, 5 डिवीजन मूव करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें करंट मिला है वो मिला है 90, देन 1 पे जो हमें करंट गेन हुआ है वो हुआ है 110, देन 1.5 पे जो हमें करंट गेन हुआ है 140, 2 पे जो हमें करंट गेन हुआ है वो हुआ है 160, 2.5 पे जो हमें करंट गेन हुआ है वो हुआ है 180, 3 पे हमें जो करंट गेन हुआ है वो हुआ है 200, 3.5 पे हमें जो करंट गेन हुआ है वो हुआ है 220, 4 पे हुआ है 230, 4.5 पे हमें मिला है 250 और 5 पे जो मिला है वो मिला है 260। इस तरह हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम टेबल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर, वो है 0.0 मिली एमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो है 10 मिली एम्पियर और लिस्ट काउंट ऑफ जो वोल्ट मीटर है वो है 0.1 वोल्ट। ये वोल्टेज एक करंट, तो 0 वोल्ट पे हमारा जो करंट मिला था वो मिला था 0, 1.5 वोल्ट पे जो करंट मिला था वो था 90,
वन पे मिला था, 110, 1.5 पे, 140, 2 पे था 160, देन 180, देन 3 पे था 200, 3.5 पे 210, 4 पे था 220, देन था 250, 4 पे था 230, देन 250, देन 260। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस। अब ये जो हमें करंट मिला है उसको हम माइक्रो एम्पियर में चेंज करेंगे। जैसा कि हमें वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट गेन हुआ था, इस करंट को हमने मिली एम्पियर से एम्पियर में, इसके लिए हमने करंट को 10^-3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। करने के बाद हमने रेजिस्टेंस आर फाइंड किया है, इसके लिए हमने वोल्टेज को करंट से डिवाइड किया है वी अपॉन आई, तो हमें ये रेजिस्टेंस फाइंड हुआ। देन नेक्स्ट कॉलम है पावर का, इसमें हम वोल्टेज और करंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें ये पावर मिलती है। देन नेक्स्ट कॉलम में हमने लॉग पी फाइंड किया है, जो पावर है उसका लॉग फाइंड किया है, और जो लास्ट कॉलम है इसमें हमने लॉग आर फाइंड किया है। इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट होता है। अब हम लॉग पी और लॉग आर के बीच में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ प्लॉट करेंगे।